हिमाचल के दो शहरों के नाम बदलने की चर्चाएं फिर से जोर पकड़ने लगी हैं। कनाडा स्थित प्रोफेसर मोहन सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के प्रधान साहिब थिंद ने मशहूर पर्यटन नगरी डलहौजी और मैक्लोडरगंज का नाम बदलने की सरकार से मांग उठाई है। उन्होंने डलहौजी का नाम अजीत सिंह नगर और मैक्लोडगंज का नाम सुभाष चंद्र नगर रखने का प्रस्ताव दिया है। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में थिंद ने कहा कि इन दोनों शहरों का नाम अंग्रेजों ने रखा है, हमें गुलामी की सभी निशानियों को मिटा देना चाहिए और ऐसे शहरों व जगह के नाम देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों के नाम से रखने चाहिए। उन्होंने बताया कि दोनों शहरों के नाम बदलने की मांग को लेकर वह 2020 में भी हिमाचल आए थे। उस दौरान उन्होंने भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल से मुलाकात की थी, लेकिन अचानक लॉकडाउन लगने के कारण लंबे समय से वह इस मांग को दोबारा सरकार के समक्ष नहीं उठा सके। अब वह यही मांग ज्ञापन के जरिए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के समक्ष उठा चुके हैं। जल्द ही वह इस बाबत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के बनाए गए नियम बदले जाने चाहिए, यह गुलामी का प्रतीक है। अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम तबाह किया और ऐसे नियम बनाए जो इतिहास के माथे पर कलंक है। साहिब थिंद, मैं प्रोफेसर मोहन सिंह मेमोरियल फाउंडेशन का फाउंडर मेंबर हूँ, जो कि पिछले 3 दहाके से भी ज़्यादा काम कनाडा में काम कर रहे हैं। आज हमारा यहाँ पर आने का ये दूसरा वक्त है। हम 2020 में भी आए थे और तब भी हम जो सरकारी सभी पार्टियों से हमारी बात हुई थी, तब जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे मिस्टर बिंदल और कांग्रेस की लीडरशिप से हमारी बात हुई और उस वक्त हम लॉकडाउन की वजह से चले गए और दोबारा ये लॉकडाउन खुला है। हम दोबारा यहाँ पर फिर जो ये मुहिम है जदोजहद है उसको शुरू कर रहे हैं और हम कुछ दिन पहले जो बीजेपी के प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं उनको हमने वो मेमोरेंडम दिया और कांग्रेस के जो प्रतिभा सिंह जी है उनको भी मेमोरेंडम दिया। सभी पार्टियों को हमारी बेनती है और के रल मिल के ये जो ब्रिटिश काल के ब्रिटिश हीरा के जो नेम्स हैं खास करके डलहौजी और मैक्लोडगंज उनको तुरंत बदला जाए, क्योंकि ये गुलामी की निशानी है और देश के हिमाचल के इतिहास के और हमारे सभी के माथे पर ये कलंक है। इसको दूर होना चाहिए, दूर करना चाहिए और इसके जो और भी हिमाचल में जो जगह हैं, सड़कें हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनका भी नाम बदलना चाहिए और ख़ास करके डलहौजी का नाम हमारी मांग है कि सरदार अजीत सिंह जो 40 साल जलावतर रहे, सरदार भगत सिंह के चाचा जी के बहुत काम किया 40 साल अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, उन्होंने लोगों को लामबंद किया और आखिरी सांस उन लोगों ने सरदार अजीत सिंह ने वो डलहौजी में ली जब देश को आज़ादी मिली, अनाउंसमेंट हुई आज़ादी का जो परचम लहराया जा रहा था देश में, तब उनकी उसी दिन 15 अगस्त 1947 वाले दिन डलहौजी में उनकी मृत्यु हुई। सो मैं मेरी सरकार से ये अपील है और मैं कुछ दिनों में मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा और गवर्नर जी से भी बात करूंगा और मेरी मोदी जी से अपील है कि जैसे हमारी फाउंडेशन के अपील पर काले पानी के 3 आइलैंड्स के हम दोनों में नाम बदल दिए हैं 2018 में और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर और ये बात भी सुनेंगे और तुरंत ये गुलामी की हैं जो निशानियाँ हैं इनको तुरंत मिटा देना चाहिए और हमारे देशभक्तों को और मैक्लोडगंज का जो नाम है सुभाष चंद्र बोस की जो हमारी फाउंडेशन की मांग है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।